खबर सरीला हमीरपुर से है, जहां पर कस्बा सरीला में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सरकार भले ही लाखों रुपए फूंक कर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हो, लेकिन सरीला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के नाम पर अवैध वसूली का खुला खेल बदस्तूर जारी है। सरीला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आए दिन अस्पताल में व्याप्त स्टाफ की लापरवाही और मरीजों को जबरन रेफर करने को लेकर अक्सर चर्चाओं में बना रहता है। आए दिन डिलीवरी कक्ष में तैनात स्टाफ द्वारा प्रसूताओं के मरीजों से डिलीवरी के नाम पर रुपए की की जाती है। रेफर सेंटर के नाम से मशहूर हो चुके सरीला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोमवार को अतौली धगवा के रहने वाले धुराम ने बताया कि उसकी पत्नी अनीता को पहली डिलीवरी होनी थी। अस्पताल आए तो वहां डिलीवरी कक्ष में तैनात स्टाफ नर्स ने 2000 रुपए की मांग की। उनके द्वारा 700 रुपए देने के बावजूद भी स्टाफ नर्स द्वारा अभद्रता की गई और रुपए लेने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अरे तुम्हारे बस को नहीं है तो मैं नौकरी छोड़ दियो ना। आदमी मैं दुकान बंद करके आओ भैया, मैं दुकान बंद करके आओ। लोनर रोम ले, वो बोलो मैं 600-700 रुपया रहा दे तुझे लेत नहीं है। बोले कौन 1500 मांगत, कौन 5000 मांगत। अब रुपये ले रहा हूँ जब तुमने ले लेता सुनो, हम जैसे तुम्हें बच्चा लगा, हम तो आप एक बच्चा बचा रहे तुम्हें लगा कि ये बहनी नहीं कछु नहीं करो तो भैया पंचायत। सरीला हमीरपुर से धर्मेंद्र सिंह यादव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।